हर इंसान में बुराई छिपी होती है, बस देरी होती है उसे बाहर निकालने की। कोई इतना भी अच्छा कोई ना कोई इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर बुराई है, उसे बाहर निकाला जा सकता है। खैर ये लाइन मेरी नहीं है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ असुर वेब सीरीज़ की, जिसे डायरेक्ट किया गौरव शुक्ला ने। ये लाइन इसी वेब सीरीज़ की है। इस वेब सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड हैं। इसमें कास्ट हैं अरशद वारसी, बरुण सोबती, राधिका डोगरा, विशेष बंसल। इस सीरीज़ की कहानी मुझे बहुत पसंद आई कुछ चीज़ों में। हाँ बेशक इसको और बेटर किया जा सकता था, वो हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें इलॉजिकल थी, खैर उन सबको हटा दें तब भी ये सीरीज़ बुरी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको पूरी सीरीज़ ये बांध कर रखने वाली है, कहीं पर भी बोर नहीं करने वाली। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक लड़का है शुभ जोशी, जो पौराणिक कथाओं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बचपन से ही उसके पिता उसे असुर राक्षस बार बार यही बुलाकर उसे पुकारते थे, क्योंकि उसके पिता जो थे वो कुंडली चक्र दोष इन चीज़ों में बहुत यकीन रखते थे। तो वो चाहते थे कि शुभ का जन्म जो है वो इस समय इस तिथि पर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कुछ उस टाइम के पहले हो जाता है, 2 दिन पहले हो जाता है, जिससे उसकी पूरी कुंडली जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसकी जो कुंडली होती है वो असुर के एक चक्कर में आ जाती है, ऐसा दिखाया गया है। तो तब से उसके पिता को लगने लगा कि उसके घर में जो है वो एक असुर पैदा हुआ, एक राक्षस पैदा हुआ। तब से लगातार उसको असुर राक्षस कभी प्यार से नहीं देखा, उसको बार बार मारना, असुर राक्षस बोलना उसको, ये सब चीज़ों से वो निकला हुआ हमें इसमें दिखाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें दिखाया गया है कि शुभ जो था उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट उसको दिखाया गया है। मतलब एक बुक को पढ़ ले तो सारी चीज़ें वो याद रख लेता था। अपने पिता के बार बार उसे असुर बुलाने से, राक्षस कहने से, इन सब पुरानी कथाओं के बारे में उसको बताने से, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ था। बचपन में वो अपने पिता का कत्ल भी कर देता और सारे सबूत भी मिटा देता है। और जब बड़ा होता है तो वो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है जिनकी कुंडली में कुछ ऐसे काम लिखे हैं। मतलब इन कईयों का होता है ना, कुंडली में ये बहुत बड़े काम करने वाले हैं, मानवता के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, तो उनको ढूंढ ढूंढ के स्पेशली वो मारता है। रीज़न यही होता है कि वो अपने आप को अब असुर समझने लगा है, और इस कलयुग का मतलब वो कली है, मतलब अपने आप को कली, जो कलयुग होता है, कली यानी कलयुग। अब वो इन सबको मार के विष्णु के 10वें अवतार को धरती पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि वो यहाँ पर आए, इस कलयुग का अंत करे और फिर से सतयुग शुरू हो। तो ऐसी सोच उसकी थी, तभी वो उन लोगों को मार रहा था जिनके कुंडली में सबसे ज़्यादा मतलब उन्होंने मानवता के लिए कुछ करना ही करना होता है। तो जब भी शुभ जोशी इनको मारता था किसी भी इंसान को, तो उसके कोऑर्डिनेट वो निखिल नायर को भेजता था। निखिल नायर जिसे प्ले किया है वरुण शोपती ने, तो निखिल नायर अमेरिका में FBI में काम कर रहा है। 10 साल हो गए उसे वहाँ काम करते हुए। 10 साल पहले वो भारत के अंदर CBI के अंदर काम करता था। और बचपन में जब शुभ जोशी ने अपने पिता को मारा था, तो उसके इल्ज़ाम में जब उसे जेल हुई थी, तो वहाँ उससे वो मिला था। और तब वहाँ उसकी इंट्रैक्शन होने के कारण शुभ जोशी ने कहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है उसे, तो शायद मे भी ये रीज़न था कि वो उसे कोऑर्डिनेट भेजता था। बाकी मुझे ये सीरीज़ देख के कहीं से लगा नहीं कि और क्या रीज़न था, क्यों उसे वो बार बार उसके कोऑर्डिनेट भेज रहा था। शायद मे भी यही रीज़न था। उधर दिल्ली में धनंजय राजपूत जिसे प्ले किया अरशद वारसी ने, वो यहाँ पे इन कत्ल हुए जो कत्ल जो ऐसे सीरीज़ में ऐसे कत्ल हो रहे हैं रैंडमली, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इनको ढूंढने के पीछे लगा हुआ है कि कौन ऐसा सीरियल किलर है या साइको किलर है जो इन सबको मार रहा है, क्या वजह है। तो उसके ऐसे हाथ में कुछ लगता नहीं है। फिर ये निखिल नायर भी दिल्ली आ जाता है, बावजूद इसके कि इसकी पति पत्नी नैना जो इससे लड़ाई कर रही होती है कि भाई तुम्हें दिल्ली नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रहना है। ये भी एक नोकझोंक दिखाई गई है इसके अंदर, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्ची को अमेरिका छोड़ के वापस दिल्ली आ जाता है, ताकि ये जो कोऑर्डिनेट उसके पास आ रहे हैं पता लगा सके ये चीज़ें कर कौन रहा है। धनंजय राजपूत और निखिल नायर दोनों ही फोरेंसिक में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दोनों ही अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, दोनों ही लग जाते हैं साइको किलर को ढूंढने में। लेकिन अब जैसे जैसे एपिसोड बीतते हैं पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट हर एपिसोड के साथ इंक्रीज होता चलता है, क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि अगले में क्या है, अगले में क्या है, इससे ज़्यादा क्या हो रहा है। बहुत अच्छी लगी कौन सी एक चीज़ों का इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, माइंड का एक अच्छे से यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कुछ एक चीज़ें मैंने कहा जस्ट स्टार्टिंग में, इलॉजिकल चीज़ें एक दो ही हैं, अगर उनको हटा दें तो बाकी वेब सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है। खैर
एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ को बेटर इसलिए बनाया जा सकता था कि भी असुर को जब स्टार्टिंग में इतना ही स्ट्रोंग और इतना इंटेलिजेंट दिखाया गया है, तो उसे निखिल नायर की ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को मारने के लिए, जबकि वो इतना इंटेलिजेंट है तो वो खुद ही करता है इन सब काम को। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ना दिखाते तो और मज़ा आता। वैसे मैं ही नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ी खामी है, लेकिन हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना। मैं और भी इसे ये चाहता था कि इसको और इंटेलिजेंट दिखाते। ये साइको किलर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसको किसी की भी हेल्प नहीं पड़ती। तो एक बार स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना, फिर सीरीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे जो ये किलर जो है वो वीक लग रहा है। देखो, मैं किसी वॉयलेंस या किलर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, वो देखने में अच्छा लग सकता था। वैसे भी ये सीरीज़ कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, आप बेशक इसे देख सकते हैं। और टाइम का यूटिलाइज एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ, अगर आपको नहीं पता था असुर के बारे में और आप इसको देखने के बारे में सोच रहे थे, तो बेशक इसको देखिए, बहुत अच्छी मिलेगी आपको ये सीरीज़। आपको इंटरेस्ट आएगा, कहीं पर भी बोर नहीं होने देगी, पूरी कहानी आपको बांध कर रखने वाली है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।